Ở nhà. Oh, 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 oh. ये क्या हो गया? ओ रुको जरा. हे गाइस, कैसे हो तुम लोग? अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये जो अपनी न्यू इवो M10 है इसका मैंने इनडायरेक्ट लुक वगैरह दिखाया, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें हमारी न्यू इवो M10 का इन गेम लुक दिखाने वाला हूँ. यार जब हम इसे गेम के अंदर यूज करेंगे तो कौन सी रिलोड इफेक्ट मिलेगी, और इन गेम यानी गेम के अंदर इसका जो इमोट है वो कैसा दिखता है, और जो लास्ट में लेवल 8 पे हमें ये फाइनल शूट एनिमेशन मिलता है वो गेम अंदर कैसा दिखता है गाइस, वो आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ. टोटली आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा भयंकर होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना. तो सबसे पहले ना मैं आ चुका हूँ ट्रेनिंग ग्राउंड में, जिससे भाई होगा ये कि मैं आपको इसकी जो रिलोड इफेक्ट है वो मैं आपको दिखा सकूँ. आप लोग नोटिस कर लो भाई, जब भी मैं गन को रिलोड करता हूँ ठीक है भाई, कसम से बहुत मस्त से स्पेशल इफेक्ट वगैरह मिलती है. अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो एनिमी के बॉडी के ऊपर जब भी मैं डैमेज देता हूँ ठीक है, तो रेड कलर का डैमेज इफेक्ट भी आता है. अगर आप लोग इस इवो गन को पूरी खाली करके रिलोड करोगे तो रिलोड होने में जो टाइम लगता है ठीक है, नॉर्मल टाइम वही लगने वाला है. लेकिन अगर आप लोग एक भी बुलेट को फायर करके रिलोड करोगे तो रिलोड फास्ट होगी. अब ये जो मैंने आपको रिलोड स्पीड की बात बताई वो इस इवो गन की सबसे मेन एबिलिटी है. अब आगे बढ़ते हैं, और अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ इस वाली इवो गन का इमोट का इन गेम रिव्यू. आप लोग देख सकते हो कैसे मैंने इस इवो गन का इमोट को यूज किया ठीक है, और गेम के अंदर आप लोग देख सकते हो भाई कत्ता यार भयंकर होने वाला है. इमोट को फीमेल वर्जन में तो देख लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें मेल वर्जन में और साथ में अपने एडम चाचा के वर्जन में दिखाता हूँ. तो ये आ गई हमारे यहाँ पे एडम चाचा, और ये देखो भाई एडम चाचा कत्ता इस वाले इमोट के साथ खतरनाक लग रहा है. लेकिन भाई किसी ने मेरे को डैमेज दे दिया, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे आप लोगों फिर से ठीक है इन गेम इमोट का रिव्यू देख सकते हो, जो कि भाई सच में यार इमोट तो बहुत ही ज्यादा मस्त सा है. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जब एनिमी एलिमिनेट होता है तो कौन सी इफेक्ट कैसी मिलती है ठीक है. तो यहाँ पे देखो जैसे भाई एनिमी का मैंने किल किया, बहुत ही मस्त सा रेड कलर के एनिमेशन के साथ वो भाई इलिमिनेट हो गया. वापस से हम लोग यहाँ पे एक दो एनिमी को डाउन कर देते हैं, और भाई डाउन करने के बाद ठीक है इसे पूरा खत्म करेंगे, ताकि गैस आपको जो स्पेशल इफेक्ट है वो देखने को मिले. ये देखो गैस सबसे पहले इसे हम पूरा मार देते हैं, और भाई देखो यार कतई रेड कलर का भाई भयंकर वाला यहाँ पे एनिमेशन बाहर निकल रहा है. अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ फाइनल शॉट एनिमेशन, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना. ओके गाइस, तो लास्ट एनिमी बचा हुआ है और उसके ऊपर ही फाइनल शॉट का एनिमेशन आएगा. ये देखो भाई, ओ भाई साहब कत्ता यार खतरनाक वाला एनिमेशन हमें मिलने वाला है. इस इवोगन की खास बात यह भी है कि ये ग्लूवल के ऊपर एक्स्ट्रा डैमेज भी देती है ठीक है, यानी भाई ग्लूवल को ये बहुत ही कम फायर में ये पूरी तोड़ देता है. अब यहाँ पे हमारे सामने सिर्फ एक ही एनिमी बचा हुआ है, और उसी एनिमी के ऊपर बिच्छू का एनिमेशन आएगा. अब गाइस कमाल देखो ठीक है भाई, ये देखो मैंने इसके भाई मार दिया और उसके ऊपर भाई खतरनाक वाला अपना बिच्छू का एनिमेशन आ गया. अब गाइस मैं तुम्हें पूरे खाली मैदान के अंदर इसका रिव्यू दिखाता हूँ. ये देखो ठीक है सामने एनिमी है गाइस, मैंने उसको टपका दिया और उसके ऊपर भाई कसम से खतरनाक वाला बिच्छू का एनिमेशन आ गया. सच में गाइस हमें तो थोड़ा ये अच्छे तरीके से नहीं दिखता है ठीक है, क्योंकि भाई देखने के लिए जल्दी से भाई मुड़ना पड़ता है, लेकिन अगर उसके पास में खड़े रहेंगे तो भाई वो बिच्छू बहुत ही बड़ा नजर आता है. जो भी हो ये वाली हमारी न्यू इवो M10 तो यार नेक्स्ट लेवल पे होने वाली है. लेकिन यार रीजन वही है कि भाई इसमें तुम्हें बहुत सारे डायमंड को खर्च करना पड़ेगा ठीक है भाई, तभी तुम्हें ये निकाल पाओगे. अगर बात करें कि हमारी इवो M10 का फेडल व्हील कब आएगा, तो यहाँ पे इसकी दो पॉसिबल डेट है ठीक है, दो पॉसिबल चांस है. पहला, अगर कि भाई अपने गेम के अंदर प्रोजेक्ट क्रिम्सन इवेंट आने वाले 2 तारीख से स्टार्ट होता है, तो गाइस आने वाले 10 तारीख से पहले इसका फेडल व्हील गेम में आ जाएगा, क्योंकि ये जो इवो M10 है वो अपने प्रोजेक्ट क्रिम्सन इवेंट के थीम पे है. लेकिन मुझे ये भी अपडेट मिला हुआ है कि भाई प्रोजेक्ट क्रिम्सन इवेंट 2 तारीख को नहीं आ सकता ठीक है भाई, 12 तारीख को या फिर 13 तारीख को आ सकता है.
इसलिए ये प्रोजेक्ट क्रिमसोन इवेंट 12 तारीख के दिन स्टार्ट होता है, तो भाई उसके बाद ही अपनी ईवो M10 का फिडल विल आएगा। लेकिन जो भी होगा ऐसा आने वाले 13-14 दिनों के अंदर इसका फिडल विल हमारे गेम में आ जाएगा, ये बात 100% कंफर्म है। बाकी अगर तुम्हें हमारे न्यू ईवो बंडल के बारे में फुल डिटेल में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो, और अगर तुम्हें प्रोजेक्ट क्रिमसोन इवेंट के बारे में फुल डिटेल में जानना है तो राइट वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो।